आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम मूली से बनाएंगे। इसे मूली का लच्छा या मूली का कस भी कहते हैं। इसे आप लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, इसे आप पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल किसी के भी साथ खा सकती हैं। बनाने में बहुत ही जल्द ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसके नीचे जो लाइक बटन है उसको लाइक कीजिए, साथ में चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूली का कस बनाने के लिए हमने ली है यहाँ पे मूली, और अच्छे से उसको छील कर हमने साफ़ कर लिया है। अच्छे से इसको हम धुल लेंगे और हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो इसको कद्दूकस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कद्दूकस, और जिधर से मोटा भाग होता है यानी छेद जो है मोटे होते हैं उधर से हम इसको कद्दूकस करने वाले हैं। इसे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अच्छे से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक टमाटर इसके अंदर हम डालेंगे। उसको अच्छे से मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची और अदरक जिसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मूली को थोड़ा सा दबा के उसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। और अब मैंने डाला है यहाँ पे हरा धनिया जिसको मैंने धो कर के अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है जीरा मसाला यानी जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर तो आधा छोटा चम्मच है ये। तो ध्यान रहे हमने यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक डाली है, वो भी चटपटी होती हैं तो थोड़ा ध्यान से डालिए। साथ ही मैंने डाला है यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब काला नमक, साथ ही हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद नमक। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। तो यहाँ पे तैयार हो गया है हमारे मूली का लच्छा, जिसे कि हम मूली का कस कहते हैं। खाने में एकदम टेस्टी और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो लास्ट में मैं देना चाहूँगी आपको एक टिप्स। तो आप जब भी इसको बनाएं तो इसको पहले से भी आप तैयार करके रख सकते हैं, बस नमक आप इसमें तब डालिएगा जब आप इसको सर्व करने वाले हो, क्योंकि इससे पहले आप अगर इसमें नमक डाल देंगे तो इस मूली जो है ना सारा अपना पानी छोड़ देगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए वरदान पकवान पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।